और देश के अंदर सुनिए, अरे आचार्य जी आपको पता है, आपको पता है देश के अंदर कितने परसेंट लोग नॉनवेज खाते हैं, छुपाना चाहते हैं, भारत में कितने परसेंट मुसलमान रहते हैं? अरे एक सेकंड आचार्य जी, एक एक सवाल का जवाब दे दिया आप बताइए भारत में होटल में जाए आचार्य जी, एक सवाल का जवाब, अरे सुन तो लीजिए आचार्य जी, बड़े सम्मानित है, अरे आचार्य जी सुनिए बताइए मुझे भारत में कितने परसेंट लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं और भारत में मुसलमान आबादी कितने परसेंट है आप बताइए ना, इससे 40 करोड़, अरे सुन लीजिए 80 परसेंट लोग भारतीय 80 परसेंट लोग मुसलमान और नॉनवेज खाते हैं और बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है मुसलमान वो टॉप 2 लेवल पे आ चुका है। आप भारत के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं मैं तो कहता हूँ आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, साधना का काल है, भारत जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, वही आप पुरानी जहाँ हमें सात्विकता लगेगा। आप नफरत नहीं, एक बात बताइए मुझे, एक बात, अच्छा ठीक है एक बात बताइए, एक बात बताइए जवाद साहब, मैं एक चीज पूछ रही हूँ जवाब साहब आपसे पूछ रहे हो, लेकिन दानिश कुरैशी साहब के पास चली जाती हूँ क्योंकि उनके पास बहुत देर से नहीं गई, दानिश साहब को स्क्रीन पर रखिए, दानिश साहब और अवधेश जी, मैं दानिश साहब एक सवाल आपसे पूछूंगी, इस देश में न जाने कब से मैं देख रही हूँ कि जो मीट की दुकानें होती है उन पे हलाल लिखा होता है, झटका लिखा होता है, अपनी मर्जी से व्यक्ति जाता है जिस दुकान पे उसे जाना होता है, तो ऐसे तो ये भी विभाजनकारी है, इस पर कोई आवाज नहीं उठाई गई, बंद कर देते हैं लिखना, जिसके पास जिसको जाना है वो जाएगा, वो क्यों लिखा होता है, वो एक धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर ही लिखा होता है, क्योंकि आप हलाल की दुकान में जाएंगे आप नहीं जाएंगे झटका की दुकान, तो ऐसे में मुझे ये बता दीजिए ये भी विभाजनकारी क्यों कर किया जा रहा है, क्योंकि धार्मिक आस्थाएं इस देश में है उनका पालन हाँ, होता है जी मैं बताऊं आपको, देखिए सुचारिता दिक्कत क्या, कोई इंटरप्ट ना करे मेहरबानी करके, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं आपको बताऊं देश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो है ना वो मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करके उसका एक आवाज का देखा बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक योगी का ये जो फरमान है वहां तक, मैं आपको बता दूं ये एक ट्रेलर था, ट्रेलर में आपने देखा कि हमने एक पूर्व एमपी जो थे दिल्ली के छड़े चौक, उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के यहाँ से ठेला मत खरीदिए, याद है आपको सुचारिता जी, चलिए बताइए क्या ट्रेलर था, बताइए क्या फरमान था उसमें, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उस वक्त, और आप देखेंगे कि उस पर एक ट्वीट नहीं आया, यहाँ तक के मोदी जी ने उसको कोई ठपका नहीं दिया कि आपने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मोदी जी के तो खुद के स्टेटमेंट थे लोकसभा के चुनाव में कि आप बहनों के गले से वो लोग मंगलसूत्र ले जाएंगे, तो जब देश के मुखिया के तौर पे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रशासन के ऊपर तो वाकई में दबाव है ही, वरना मैं तो असद साहब ने जो पूछा है कि भाई योगी सरकार जो है फरमान जारी करे, अब पहचान की बात है तो आप अपना फरमान का पहचान तो जारी करिए, तो आप तो अपनी पहचान जारी करना नहीं पा रहे और फरमान ये कह रहे हैं कि क्या ठेला वाला जो है वो भी अपना आइडेंटिफिकेशन लगाएगा, तो पहले आप अपने फरमान का आइडेंटिफिकेशन तो लगाइए, कम से कम हमें कॉपी तो मिले। देखिए देखिए एक मिनट दानिश साहब आपको पता है कि त्योहार के समय या फिर इस तरह की किसी यात्रा के समय माहौल जो होता है वो बड़ा संवेदनशील सा हो जाता है, कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि एक जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अब यहाँ पर शाहबुद्दीन रिजवी साहब ने कह दिया कि कांवड़ में विवाद ना हो इसके लिए ये फैसला सही है, उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि ऐसे विवाद हमने देखे हैं और कई लोगों ने इसके बारे में, और उन विवादों से क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी होती है, मैं जवाब उस परेशानी से बचने से तो बेहतर है ये माकूल जवाब है मेरे पास, हाँ बोलिए राजेश जी के पास जाऊंगी, हाँ मैं जवाब दूं सुचारिता, मैं जवाब दूं सुचारिता में 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, देखिए मैं आपको बताऊं इस देश में बरसों तक, मेरी उम्र 40-45 साल की हो गई, बरसों तक हमने इस देश में ईद दिवाली होली और न जाने क्या क्या त्योहार साथ में मनाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से सत्ता में आए तब से इस तरीके का फरमान जारी और झगड़े शुरू करवाए इन्होंने, अब से पहले कभी नहीं था, हमारे पड़ोस में हमने ईद भी मनाई है दिवालियां भी मनाई है सारे त्योहार मनाए, आप चकूफा लेकर के आए विभाजन की राजनीति करके देश को अराजक करने जा रहे हैं, ये अराजक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की देश को नुकसान पहुंचाने वाली है, मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले से बैठे तमाम लोग एक सुर है, उनकी सरकार में बैठे केसी त्यागी अगर इसका मुखालिफ है बताइए क्या सरकार कर रही है, राजेश जी का जवाब ले लेती हूँ, राजेश जी वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बयान भी आते हैं जहाँ पर कह दिया जाता है कि मुसलमानों से मत खरीदो, उसी हाथ से उसको फल तो उसकी पवित्रता रहेगी नहीं रह सकती है, नहीं ऐसे बयानों का क्या, वो कह रहे हैं कि ऐसे भी बयान आए हैं जिसमें कहा गया कि मुसलमानों से मत खरीदो, ये उसी का एक्सटेंशन है, ये वही करने की कोशिश है, भूल
देखिए भारत का संविधान कहता है कि अपनी आइडेंटिटी बता करके तब ना व्यापार करिए। इसमें क्या किसी से ये कहा कि मुसलमान वहां धकेल नहीं लगाएगा, केवल हिंदू ही वहां पर फल बेचेंगे या सामान बेचेंगे। अरे कहीं आप हमारे यहाँ वृंदावन में आ जाइए, मुसलमान ही पोशाक बनाने का काम करते हैं बिहारी जी का, इनको रोका है किसी ने? केवल इनको गंदी राजनीति करनी है, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनानी है, इसलिए कह रहे हैं। और यदि आप सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हो दानिश भाई, तो झटका खाओ ना और कहो झटका की दुकान पर जा रहा हो, और वीडियो अपलोड करिए अपने सोशल मीडिया में, मैं तब जानूंगा कि आप तो सांप्रदायिक सद्भाव बनाना चाहते हो। आपको किसने जिम्मेदारी दे दी कि आप समाज के ठेकेदार हो गए भाई? देश संविधान से चलेगा, आपकी आस्था की बुनियाद पर नहीं चलेगा देश। सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, मेरी चॉइस होगी मैं क्या खाऊंगा। इक्वल राइट्स वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। कहां जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे संविधान। ठीक है अजीज खान साहब, जिम्मेदार नहीं होगा समाज के, समाज का ठेकेदार अजीज खान और अंग्रेज जी चाहिए। ठीक है, आप बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं भाई अजीज खान साहब? आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि जनता ने रगड़ दिया है। अब ये उपचुनाव वाला ये आपका ये बयान दिखा रहा है कि ये पूरी पिच सियासी है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर दुकानदारों को क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये पिच ही सियासी है। अब अजीज खान साहब, ये सिर्फ सियासी मोल भाव हो रहा है। आपको लग रहा है मुस्लिम वोटर ने हमें वोट दिया है तो हम उनके साथ खड़े हो जाए और कह दें कि ये तो संविधान के खिलाफ है। वहां उन्हें लग रहा है कि ये इस तरह से एक फरमान जारी कर क्या उन्हें अपना सियासी वहां पर नफा दिख रहा है? अजीज खान साहब, देखिए सुचेता जी, अभी अवधेश जी बात जो कर रहे थे, मैं उनसे बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा समाज को विभाजित करने का ये कुंठित प्रयास है, एक बात। दूसरी बात समझिए, देखिए संविधान, एक बात समझिए आप, देखिए संविधान ने हक दिया है कि छुआछूत को बढ़ावा ना दिया जाए, लेकिन ये छुआछूत को बढ़ावा देने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज को नहीं साधा गया है, इसमें दलित समाज को भी साधा गया है, तमाम ऐसे समाज जो कहीं ना कहीं छुआछूत के दायरे में आते हैं। मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं, मुझे तो लग रहा है कि उनको साधने का प्रयास है। वरना केला बेचने वाले सख्त, फल बेचने वाले, ये इनके नेता ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, नाम डिस्प्ले करो, वो कह रहे हैं कि ये मुसलमान कर रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ और ये दलितों के खिलाफ। उन्होंने गलत कोट किया। मैं पहली बात ये कर रहा हूँ कि चाहे वो अजीज खान जी हो, जब्बाद हो, ये सब मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। ये लोगों में ऐसा गुस्सा पैदा कर देंगे कि आम आदमी गुस्से में मुसलमानों के दुकान से कुछ लेना ही बंद कर देगा। कावर के जो है वो लोटे मुसलमान के दुकान से लिए जाते हैं, डोरे लिए जाते हैं, वस्त्र मुसलमानों के दुकान से लोग लेते हैं, लेकिन भोजन का है? सुनिए, ये जब्बाद पूछ रहा था ना, सावन आते ही जब्बाद हिंदुओं के भारी संख्या में हिंदुओं के घर में मांस मछली बन जाता है। ये पहले खाने वाले हिंदू हैं, और सावन आते ही ये होता है कि अब इस समय हम लोग मांस मछली, जो कांवर नहीं भी जाता है, तो हम लोग बंद कर देते हैं। ये जानकारी, यही कह रहा हूं ना कि जानकारी होनी चाहिए पहले। ने बीच में नहीं तो आस्था इस देश, अरे भाई ये आस्था नहीं होता, अरे भाई सुनो, समाज आस्था, आस्था इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप आस्था को इग्नोर करके चल सकते हैं क्या? संविधान ब्रेक हो रहा है, सवाल मैं उल्टा पूछ लेती हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, एक बार आप बोल रहे हैं कि संविधान बड़ा है या आस्था? मुझे लगता है कि आस्था पर संविधान वाला प्रहार करना ही क्यों है? आप अपनी आस्था का पालन करते हैं, वो अपनी आस्था का पालन करेंगे, ये एक दूसरे पर हमला करने के लिए इस्तेमाल क्यों होगा? एक दूसरे पर हमला क्यों करेंगे आप? मैं हमला नहीं करूंगा, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। आपकी आस्था पर कोई सवाल नहीं उठाता? अरे आपकी आस्था पर अगर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उनकी आस्था पर क्यों सवाल? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूं उनसे कि आपके लिए आस्था बड़ी है संविधान बड़ा है? नहीं नहीं, देखो सवाल का जवाब, संविधान वाला हमला क्यों करना है आपके लिए आस्था बड़ा है? सुनो ना, नहीं गवर्नेंस के लिए संविधान है, सुनो ना, हमारा साबिका, तो जवाब तो आपने हलाल शॉप्स वाला भी दिया। एक मिनट, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों लगाना है हलाल किसी भी मीट की दुकान पे हलाल और झटकर? बंद कर दीजिए उसे, बहुत चाहिए अपनी मर्जी। अच्छा, से नहीं नहीं, बंद कर दे, बंद कर दे, वो सही खुली हुई, बहुत सही जगह खुली हुई। नहीं नहीं नहीं, बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद? हलाल सर्टिफिकेट के लिए इतनी बातें क्यों हो रही है? पीछे पड़े हुए हैं कि अरे भाई इकोनॉमी, अब आप इकोनॉमी की बात कर दे भाई, सुप्रीम बना कर देना चाहिए। वो लगाए हलाल, अरे गोट लगाए झटका, वो मीट की शॉप है वो चलेगी जैसे चलेगी।